कार्रवाई करते हैं। अब यहाँ पर ये जो दीवार के पास में ये जो पुलिया है, इसकी अभी खुदाई जब बारिश होने वाली है और यहाँ पर इन्होंने वो गड्ढे खोद दिए, उसमें पानी भरा रहा है, सारा मटेरियल आस पास है और ये अभी नाला पूरा आएगा तो यहाँ किसानों के खेतों के नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं तो आप थोड़ा इससे लगाम कर दो, ऐसे ऐसे कैसे काम करते हैं? नहीं तो टेंडर हुआ तो ठीक है, बारिश के बाद में इसको करना, जब अपने को दिख रहा था कि ये बारिश होने वाली और ये काम अभी पूरा हो नहीं पाएगा तो फिर ये ऐसा करना ही नहीं था काम, ये खुदाई करना ही नहीं था, पूरा नाला रोक दिया है यहाँ पर और यहाँ के जो अपने दीवार के और इधर आसपास के उनके किसानों के खेत हैं तो उनको आने जाने में भी दिक्कत आएगी। आप वो मैंने ठेकेदार से भी अभी बात किया, आप भी आप बात करो और कल ही इनको यहाँ पर पूरे ये गड्ढे जो है भरना चाहिए और मटेरियल पूरा यहाँ से साफ होना चाहिए, है ना? वो परसों किसी ने शिकायत नहीं करना चाहिए कि ये हुआ नहीं है, ठीक है? तो ये जो है अपने दीवार के बाहर ये जो पुलिया है आपने लिया है क्या ये काम? ये काम लिया तो इसको आपने छोड़ दिया, गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, वो सब मलमा जो है बाहर ही अभी यहाँ पर के नाल तो नाला गए कहाँ जाएगा? अभी बारिश है, सामने गांव वालों के खेत यहाँ पर दिक्कतें कितनी आ रही हैं। नहीं तो उसका व्हीकल आपको देख रहा था कि बारिश होने वाली है तो फिर आपने इसको किया क्यों? ये कब से मतलब इसको कब कराना था, इसकी अवधि क्या है? एंडिंग कब से है? तो एंडिंग हो गया, और हो गया तो नहीं तो गलत है ना ये, जब आपको देख रहा था आप भरवाओगे तो डबल से उसमें कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर बाद में आप वो पुलिया घटिया बनाओगे कि मेरा पैसा इधर वेस्ट हो गया है। हेलो, नहीं आप बारिश देख रही थी कि बारिश है तो उसके पहले इसको बनाना था ना आपने? बस मैं निकलता हूँ फिर। इसको है ना कल के कल आप इसको भराओ। मैं आई हूँ यहाँ पर और मैंने देखे पूरे गड्ढे यहाँ पर पानी से भरे हुए हैं और पूरा मटेरियल जो है कि यहाँ पर है और अभी नया नाला पूरा आएगा तो यहाँ के लोगों के खेतों के फिर यहाँ के किसानों के खेतों के क्या हाल होंगे? जाएंगे कैसे दिक्कत आएगी? वो ऐसा काम क्यों करते हो भाई आप? अगर ठेकेदारी करना है तो आप साइड से करो, काम व्यवस्थित करो आप। बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं, कल के कल इसको आप ये करवाओ, हाँ तो कल के कल इसको भरवाओ, बारिश के बाद में आप इसको शुरू करना, पर इसको कल के कल ये होना चाहिए, परसों किसी ने मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पर अभी तो कोई आया नहीं है, है ना? कल के कल ही होना चाहिए ये काम, ठीक है? चार रोज से उसका आदमी किस सब्जेक्ट को लेकर आज आपके द्वारा यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया है? अभी मैं जो हमारे जल गंगा सर्वधर्म का जो कार्यक्रम का समापन था ग्राम राजगढ़ काकोड़ा में, तो वहाँ पर मैं गई थी और बीच में हमारे किसान भाई, हमारे दीवाल के सभी हमारे भाई यहाँ पर जो उन्होंने समस्या से अवगत कराया मुझे कि ये जो पुलिया यहाँ बन रहा है तो इसका गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर जो सारा मटेरियल है और इसके कारण यहाँ के हमारे किसान भाइयों के जो खेत हैं उनको आने जाने में दिक्कत आएगी और नाला अगर पूरा आया तो सारा तहस महस हो जाएगा खेतों में जो उनकी फसलें हैं, तो उसको लेके मैंने यहाँ पर भी निरीक्षण किया और तत्कालीन अधिकारी से अभी चर्चा की और जो ठेकेदार है उनको भी बोला कि कल के कल यहाँ से ये सब पूरा साफ होना चाहिए और गड्ढे भरना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो इस पर और कार्रवाई करेंगे और उसको पूरी तरह से अगर ऐसे जो भी जितने भी मैं हमारे पंधाना विधानसभा में जितने भी ठेकेदार हैं मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप पहले कुछ भी किया हो परंतु अब ये नहीं चलेगा, अगर आपको काम करना है तो समय सीमा में करना है और काम अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी।